कैसे हो दोस्तों, मैं हूँ रॉम। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो एक्चुअली ये स्ट्रैटेजी मुझे भी मतलब कई साल बिजनेस करने के बाद पता चला, और पिछले 1 साल से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 2x का मतलब ग्रोथ मिला है मेरा बिजनेस में, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और कई सारा मेरा स्टूडेंट्स ने ये स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल के उनका प्रोडक्ट जल्दी रैंक कर पाए हैं फर्स्ट पेज पे। तो मैं आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले ये स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ई कॉस्ट बता देता हूँ। ई कॉस्ट मतलब एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो अमेज़ॉन पर जो एड्स है, जैसे कि पीपीसी भी कहते हैं हम, पेपर क्लिक स्पॉन्सर्ड एड्स भी कहते हैं, तो उसका मतलब मेन मेट्रिक है ई कॉस्ट। तो ई कॉस्ट से ही हम डिसाइड करते हैं कि वो पर्टिकुलर जो कैंपेन है, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है, वो अच्छा है कि नहीं, उसका रिजल्ट्स क्या है, क्या उसको हमको उसको ऑप्टिमाइज़ करना है कि नहीं, हम ये कॉस्ट देखकर डिसाइड करते हैं। तो समझ लीजिए, एग्जांपल के तरह, तो मैं एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। समझ लीजिए, एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन हमारा 30% है। तो और उस प्रोडक्ट के लिए हमने एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन रन किया है, और उस कैंपेन का ये कॉस्ट 30% है। तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर कैंपेन से जितना भी सेल आ रहा है हमको, उस सेल से हमको कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है और लॉस भी नहीं हो रहा है। अगर हमारा उस कैंपेन से जो ये कॉस्ट है, उस ये कॉस्ट अगर 35% है और हमारा प्रॉफिट मार्जिन ऑब्वियसली 30% है, जैसे मैंने पहले कहा, तो उसका मतलब हम उस कैंपेन से जितना भी सेल कर रहे हैं उसमें हमको 5% लॉस हो रहा है। और उस तरह है, मतलब ये कॉस्ट से ही हम डिसाइड कर सकते हैं जो पर्टिकुलर कैंपेन। तो मैं आपको दो सिनारियों से एक्सप्लेन करता हूँ। समझ लीजिए, दो सेलर अकाउंट है और सेम प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन 30% है, और एक सेलर अकाउंट में जो एक कैंपेन है एडवर्टाइजमेंट उस प्रोडक्ट के लिए, और उस कैंपेन का मतलब एक कॉस्ट है 5% और आपको 5 सेल्स आ रहा है, और एक सेलर अकाउंट का मतलब एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है, सेम प्रोडक्ट है, 30% प्रॉफिट मार्जिन है, और उसका एक कॉस्ट है 35% और उससे आपको 20 सेल्स आ रहा है। तो अगर मैं आपको पूछूंगा कि कौन सा सेलर अकाउंट आप पिक करेंगे, तो ऑब्वियसली आप पहला सेलर अकाउंट पिक करेंगे। तो आप में से कई सारा लोगों का सिलेक्शन वही रहेगा। तो अगर मुझे पूछेंगे इन रियलिटी, तो मैं 10 out of 10 मतलब सेकेंड सेलर अकाउंट को ही पिक करता हूँ, जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन 35% है और 20 सेल्स आ रहा है। तो इसका रीज़न यही है दोस्तों, जब हम अमेज़ॉन FBA पर सेल करने की सोचते हैं, तो अमेज़ॉन FBA एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मतलब एक सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है। उसमें जो भी सेल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक सेल्स है, मतलब हम एडवर्टाइजमेंट्स पे मतलब एडवर्टाइजमेंट से जो सेल आ रहा है उस पर डिपेंडेंट नहीं है। तो हमको ऑर्गेनिक सेल्स ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, और उसमें से ही हम प्रॉफिट करते हैं। तो ऑन एन एवरेज अराउंड 70-80% जो सेल आता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए वो ऑर्गेनिक सेल्स ही है। सिर्फ 20-30% एडवर्टाइजमेंट सेल्स है, और कई सारा ऐसा नीशस है, ऐसा प्रोडक्ट्स है जिसमें 90% जो सेल आता है वो ऑर्गेनिक सेल्स है, सिर्फ 10% मतलब एडवर्टाइजमेंट सेल्स आता है। तो इसीलिए आपको एडवर्टाइजमेंट सिर्फ मतलब रैंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है, और ऑफ कोर्स एडवर्टाइजमेंट्स हमेशा रन करना ही चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको एडेड सेल्स, एक्स्ट्रा सेल्स नहीं मिलेगा, जो आपको रैंक करने में हेल्प नहीं करेगा। तो इसीलिए एडवर्टाइजमेंट इम्पॉर्टेंट ही है, पर एडवर्टाइजमेंट आपको रैंक करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मतलब ऑर्गेनिक सेल्स से ऑफ कोर्स हम प्रॉफिट करते हैं, तो ऑर्गेनिक सेल्स इंक्रीज करने के लिए हमको हमारा प्रोडक्ट का रैंक मेंटेन करना पड़ता है। तो अमेज़ॉन का एल्गोरिदम ऐसा है कि हमारा रैंक मतलब अच्छा रहने के लिए हमारा प्रोडक्ट पे सेल्स वेलोसिटी ज़्यादा रहना चाहिए, तो उसके लिए हम एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए जब हम पर्टिकुलर एक सेलर अकाउंट को दे लेते हैं, तो उसका मेट्रिक हमको, मेन मेट्रिक हमको लेना है वो है टैग कॉस्ट। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ टैग कॉस्ट। तो टैग कॉस्ट मतलब टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो इसका फॉर्मूला है, तो एड स्पेंड जो टोटल एड स्पेंड रहता है हमारा, डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू 100 जो परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये टैकोस है दोस्तों। तो हमेशा आपको
टैकोस कैलकुलेट करना है और उससे आपको डिसाइड करना है। समझ लीजिए मैं एग्जांपल के तौर में कहता हूँ, तो एड स्पेंड 20,000 मान लीजिए डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स वो है 1 लाख, तो हमारा टैकोस हुआ 20%। तो मैं हमेशा एक 10-20% के अंदर मतलब प्रिफर करता हूँ, हमारा हमेशा टैकोस 10-20% के अंदर रहना चाहिए। अगर 10% से कम है तो इसका मतलब हम ज़्यादा स्पेंड नहीं कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा हमारा बिड और बजट ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा कैंपेन हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो हमको इम्प्रूव होने का ज़रूरत है। अगर 20% से ज़्यादा है तो मतलब हम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, तो आइडियली मतलब एक 10-20% के अंदर रहना चाहिए। तो और मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, जो भी मेरा कैंपेन्स है, तो अगर मेरा एकॉस अराउंड 25% उस तरह है तो मैं ज़्यादा बिड ज़्यादा इंक्रीज़ करता हूँ, ताकि समेर अराउंड 30-32% के पास आए मेरा एकॉस उस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए। इस तरह आपको भी करना है, तब आप आपका मतलब जो भी सेल्स है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ऑर्गेनिक सेल्स इंक्रीज होता है। और आपको हमेशा याद रखना है कि आप ज़्यादा प्रॉफिट ऑर्गेनिक सेल्स से ही करेंगे। और ये एक्चुअली जो स्ट्रैटेजीज है वो मुझे मतलब वेल नोन वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस से ही पता चला, जैसे कि बड़े बड़े कंपनीज है, कोको कोला हुआ हो, सैमसंग, एप्पल, जो एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, एडवर्टाइजमेंट एड्स आता है और होल्डिंग्स लगाते हैं अलग अलग जगह, बिलबोर्ड हुआ हो और बस के पीछे हुआ हो, तो वहाँ से भी वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं और वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वहाँ से ही डायरेक्ट उनको प्रॉफिट हो जाए। मतलब वो क्या करते हैं, वो हमेशा उनका टैकोस कैलकुलेट करते हैं, तो उससे वो मतलब डिसाइड करते हैं कि उनको कितना स्पेंड करना है एडवर्टाइजमेंट पे। तो अगर हम भी मतलब उसको ही, वो ऑफकोर्स हमारा उतना बड़ा ब्रांड नहीं है, हम अलग अलग जगह एड्स नहीं चलाते हैं, पर ऑफकोर्स जो अमेज़ॉन पर हम एड्स चलाते हैं तो हमारा गोल भी वैसा ही रहना चाहिए, हमको टोटल टैकोस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ना कि सिर्फ एकॉस को ही ऑप्टिमाइज करना चाहिए मतलब एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। तो कई सारा बिगिनर्स क्या करते हैं, ये गलती करते हैं, एकॉस देखते रहते हैं और उसको ऑप्टिमाइज़ करते रहते हैं। तो आपको याद रखना है, स्पेशली जब आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो आपका मेन गोल रहता है उस प्रोडक्ट का ऑर्गेनिक सेल्स इंक्रीज करना। तो ऑर्गेनिक सेल्स जब तभी इंक्रीज़ होता है जब आपके प्रोडक्ट रैंक करता है फर्स्ट पेज तक, तो आपका मेन गोल वही रहना कि आपके प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड पे फर्स्ट पेज पे रैंक हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा और आपको समझ आ चुका होगा। और अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर है और आप सीरियस हैं अमेज़ॉन FBA को लेकर, तो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन हो सकते हैं, जो भी जितना भी मेरा सक्सेसफुल स्टूडेंट्स है उनमें से आप एक बन सकते हैं। तो मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको सेकंड लिंक में आपको मिल जाएगा मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम। और मैंने वेबिनार भी कंडक्ट किया है तो उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, वो भी कंप्लीट बिगिनर्स के लिए, उसमें मैंने मेरे बारे में और अमेज़ॉन FBA के बारे में बेसिक्स एक्सप्लेन किया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक में मिल जाएगा। और इसी तरह जुड़े रहे दोस्तों, मैं आपके साथ और भी ई-कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस मैं शेयर करता रहूँगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।